निबेलुंगेन लेट मध्य उच्च जर्मन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध वीर महाकाव्य है। इसे यूरोपीय वीर महाकाव्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जिसकी तुलना ग्रीक ट्रॉय किंवदंती से की जा सकती है। और पासो के बिशप वोल्फग वॉन एर्ला के दरबार में एक अज्ञात कवि द्वारा 1200 के आसपास लिखा गया था। यूनेस्को फेरबदल जर्मनी में यूनेस्को साइटों, दस्तावेजों और सांस्कृतिक रूपों की खोज करें। 39 कारनामों में कठोर कविता बर्गंडियन राजा की बेटी क्रिमहिल्ड के लिए ड्रैगन कातिलों सिगफ्रीड के प्यार, उसकी शादी हेगन द्वारा सिगफ्रीड की मौत और हुन राजा एक जेल की मदद से क्रिमहिल्ड के बदला लेने के बारे में बताती है, जो बर्गंडियन के पतन की ओर ले जाती है। साम्राज्य महाकाव्य पुरानी मौखिक परंपराओं पर आधारित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 436 ईस्वी में बर्गंडियों पर हूनों की जीत है। किंवदंती यूरोप में लोगों के प्रवास के समय तक जाती है। ये पूरे स्कैंडिनेविया और स्पेन में देश की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। 16वीं शताब्दी में निबेलुंगेन लेट गुमनामी में गिर गया। आधुनिक स्वागत 1755 में शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रिया के वोरालबर्ग में होहेनेम्स कैसल में निबेलुंगेन लेट की पांडुलिपियों में से एक को फिर से खोजा गया। 19वीं शताब्दी में निबेलुंगेन लेट को एक राष्ट्रीय महाकाव्य के रूप में बहुत महत्व दिया गया था। रिचर्ड वैगनर ने इसे अपने संगीत नाटक रिंग डैस निबेलुंगेन में ओपेरा मंच पर लाया। फ्रेडरिक हेबेल ने इसे एक नाटक के रूप में संसाधित किया। 20वीं शताब्दी में महाकाव्य को कई बार फिल्माया गया। पहली बार 1922 से 1924 के वर्षों में फ्रिट्ज लैंग द्वारा मूक फिल्म में, जिसकी उत्कृष्ट कृति मेट्रोपोलिस को विश्व दस्तावेजी विरासत के रजिस्टर में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को ने जुलाई 2009 में विश्व रजिस्टर की स्मृति में निबेलुंगेन लेट को शामिल किया। इंडेक्स के लिए निबेलुंगेलाइट की 3 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूर्ण पांडुलिपियों का चयन किया गया था। उन्हें म्यूनिख में बवेरियन स्टेट लाइब्रेरी, पांडुलिपि ए, स्विट्जरलैंड में सेंट गैलन के मठ के अभय पुस्तकालय, पांडुलिपि बी, और कालसुए में बाडेन स्टेट लाइब्रेरी, पांडुलिपि सी में रखा गया है।